कार्तिक का मास चल रहा है और गंगा तट पर जिस तरीके से गंगा स्नान करने के बाद जो माँ बहन हैं, जो महिलाएं हैं, खास तौर पे माँ बहनों का जो यहाँ संगम होता है और यहाँ पहले गंगा की पूजा होती है, अब विभिन्न विधाओं में खास तौर पे बलिया में देखा जाता है, तो कोई भृगु जी मंदिर, कोई बालेश्वर जी मंदिर और कोई जिले के हर प्राचीन मंदिरों पर शुद्ध देशी घी के दिए जलाकर भगवान के चरण में शरण में दो फूल अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं। और गंगा तट पर तो एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है, ये मिलता है कि यहाँ प्रत्येक कार्तिक मास में प्रत्येक दिन जो है सुबह के वक्त लोग गंगा स्नान करने के बाद गंगा तट के किनारे पूजन पाठ करते हैं और जो गीत विलुप्त होती जा रही है, यदि आप गंगा तट के किनारे आएंगे तो जो भक्ति गीत जो महिलाओं के मुँह से सुनने को मिलता है वो काफ़ी याद आते हैं पुराने लोगों की, जो आज जो गीत वाकई जो आज के दौर में देखा जाता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है गीत सुनने को। तो हम गंगा तट के किनारे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से गंगा स्नान करने के बाद हमारी माताएं, हमारी बहनें किस तरीके से पूजन पाठ में लगी हुई हैं। हम उस वक्त हम उस जगह पे हैं जहाँ गंगा का तट है, ये बलिया शहर का हिस्सा है और यहाँ पे गंगा जो है आप सभी को दर्शन दे। तो ये पुरानी जो विधा है उसको लेकर जो महिलाओं का जो है लोटकी उठा लो लोहे में आ जाओ। हाँ तो एक तरफ तो हटप तब ना आई है, हर से हटप तब ना आई। चलिए सब सब आप लोग ठाकुर जी को उठा ले सबे, सब ठाकुर जी को उठा ले सबे। हाँ 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 ठाकुर जी का हमारा तरफ दिखाई से दोनों हाथ से उठावल जाला, एक हाथ से ना भगवान दोनों हाथ डाले बड़ो एक लाइन से हो जाए ना एक लाइन से। हाँ वो तो वो पकड़ ले रहा नीचे चल जाते। हाँ हाँ सबके ले लिया खाली एक लाइन से हो जाए। जी जी हाँ चलिए चलिए आज सब कर हो जाए। चलिए अब ठाकुर जी का नाम लेते रहे सब। हाँ जय कन्हैया लाल की बोल दे। हाँ बोल दे। हाँ बोलो भृगु बाबा की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो बाबा बालेश्वर नाथ की जय, बोलो पंडित जी की जय।